हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदवंशी सक्सेस पॉइंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत हमारे यदवंशी सक्सेस पॉइंट परिवार में। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लें, बैगन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपके लिए यहाँ पर प्रत्येक दिन 5000 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। 5000 क्वेश्चंस की सीरीज को आपको नया कंटेंट डेली यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग प्रतिदिन क्लास का इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास का पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति को प्राप्त हुए थे? आपको फ्रेंड्स बताना है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति को प्राप्त हुए थे? आपका फ्रेंड से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1799। सभी मेरे दोस्त याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जो किसी रूप में स्टोर किया जाता है, आपको फ्रेंड्स बताना है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? सभी फ्रेंड्स आंसर देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? आपका सही आंसर होगा डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर की दो अलग अलग संतानें हैं? आपको फ्रेंड्स बताना या अलग अलग नाम है। वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? आपका फ्रेंड्स से आंसर होगा कबीर। आपका कबीर ग्रेट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? आपका फ्रेंड से आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। यहाँ पर दोनों हैं जो यहाँ पर पॉल एनल और बिल गेट्स हैं, इनके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सभी मेरे दोस्त आंसर करेंगे अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से। हल्दी घाटी का युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सही आंसर होगा हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में लड़ा गया था। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स 2 या 4 क्वेश्चनों को अटेंड करने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन रहेगा, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आखिरी क्वेश्चन भी इस सीरीज का रहेगा। यदि क्लास में आए हैं तो क्लास को पूरा अटेंड करें। आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं खेल रहे हैं कि आप 2 क्वेश्चन अटेंड करते हैं और बच्चों की तरह भाग जाते हैं। सीरीज में आए हैं, पूरा दम और खम दिखाइए इसके अंदर। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, 21 मई को। 21 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? आपको फ्रेंड्स बताना है किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोरखपुर के अंदर दी गई थी। गोरखपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडे सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ओडे सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका फ्रेंड से आंसर होगा बराक ओबामा है। बराक ओबामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका 1 ग्वालियर में है। ग्वालियर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या? ग्वालियर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स बताना है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? आपका फ्रेंड से आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, 1928 के अंदर आपका
एमएस ड्रम के ओलंपिक खेल के अंदर आपका फ्रेंड्स भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले 1928 में भाग लिया था। 1928 के अंदर ही साइमन कमीशन भारत आया था, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली टेस्ट मैच श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स बताना है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैच श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर एसेज के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका एक एसेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्रों का वन किस नाम से जाना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्रों का वन किस नाम से जाना जाता है, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन नंबर आपका तीन सुंदरवन डेल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, आपका फ्रेंड्स 1951 के अंदर, 1951 में इस वित्त आयोग का गठन किया गया था। और यहाँ पर वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है, आपका 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भूरा कहते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूरा कहते हैं, आपका फ्रेंड्स लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है, मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है, सभी मेरे दोस्त फटाफट से आंसर देंगे। आपसे फ्रेंड्स का स्वागत है वंशी सक्सेस पॉइंट में। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है, आपका फ्रेंड्स करना चाहिएगा बारसूर के अंदर है, बारसूर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको उतना है, एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना भारत में किस राज्य में है, एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना भारत के किस राज्य में है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या, राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है, एलोरा और अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में। किसी तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, किसी तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता, H2SO4 का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं किया जा सकता, वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा क्या होगा इस बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर। H2SO4 का प्रयोग आपका रोगाणुनाशी के रूप में नहीं किया जा सकता है, खाद परीक्षण निर्जलीकरण के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका रोगाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको फ्रेंड्स बताना है। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका 2, आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर झीलें कहाँ स्थित हैं, सभी फ्रेंड्स फटाफट से आंसर देंगे क्या होगा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर। पुष्कर झील कहाँ स्थित है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर राजस्थान के अंदर, और पुष्कर के अंदर ही राजस्थान का मेला लगता है, कब लगता है आपका, कार्तिक मास में लगता है, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस संघ शासित प्रदेश क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, यस फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, आपका फ्रेंड सेंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 है दिल्ली के अंदर, दिल्ली आपका सेंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा अकबर और हेमू के बीच में, आपका फ्रेंड्स अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में।
नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम है, आपको फ्रेंड्स बताना है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसका नाम क्या है। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर कौशाम्बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, कौन सा यहाँ पर राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका दो है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में कुल सीटें कितनी होती हैं, 552 सीटें होती हैं, जिसमें से 530 सीटें आपकी राज्यों की होती हैं, 20 सीटें आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की होती हैं और 2 सीटें कहाँ की होती हैं, आपकी एंग्लो इंडियन की होती है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके भेजा जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, ऑप्शन नंबर आपका दो है, बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर आपका दो बेरियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, टाइफाइड रोग, टाइफाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, नीर आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ड के संपादक थे, आपको बेटा बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, कि नील आंदोलन का जमकर विद्रोह यहाँ पर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे। आपका फ्रेंड आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर आपका दो हरिश्चंद्र मुखर्जी करेक्ट आंसर होगा क्या, हरिश्चंद्र मुखर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, सभी मेरे दोस्त फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपसे फ्रेंड्स का स्वागत है ध्वंसी सक्सेस पॉइंट में। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्लास को पूरा अटेंड जरूर करें और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दे के जाएं कि आज की सीरीज में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन नंबर एक लैमिनेरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, आपको फ्रेंड्स बताना है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट आपके लिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है। आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, ऑप्शन नंबर आपका तीन 90 मिनट होती है, 90 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने भूमि मापने का पैमाना गज़े सिकंदरी का प्रचलन किया, आपने फ्रेंड्स बताना है, किसने भूमि पैमाने का यहाँ पर भूमि मापने का पैमाना गज़े सिकंदरी का प्रचलन किया। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा सिकंदर लोदी से आंसर हो जाएगा। प्रेक्षापत्र का विकास किसने किया, आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर दो है आपका एडवर्ड टेलर, ऑप्शन नंबर आपका दो एडवर्ड टेलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है। आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, ऑप्शन नंबर आपका चीन में, ऑप्शन नंबर आपका चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीन करेक्ट आंसर का, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी आपकी बेटा चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, आपको बताना है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन में प्रसिद्ध था। आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दो है करेक्ट आंसर का बिहार, बिहार आपका सही आंसर होगा क्या, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश
किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेल डन, आंसर कीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, ऑप्शन नंबर आपका दो है स्वामी दयानंद सरस्वती की, ऑप्शन नंबर आपका दो स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, ऑप्शन नंबर आपका दो ताप विद्युत में है, ताप विद्युत करेक्ट आंसर, क्या ताप विद्युत से आंसर हो जाएगा। चढ़ते सूर्य का देश है किसे कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का देश है किसे कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, जापान, जापान आपका सही आंसर हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना कब हुई? आपको फ्रेंड्स बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? आपका फ्रेंड्स आंसर का क्या, ऑप्शन नंबर आपका तीन है यहाँ पर 1875 में, 1875 के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रचारक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रचारक कौन थे? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रचारक कौन थे? आपका बेटा करेक्ट आंसर चैतन्य, चैतन्य आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है द्वंसी सक्सेस पॉइंट में। राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुँच जाए। आपको फ्रेंड्स बताना है सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? आपका बेटा सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका दो है 4 जुलाई को, 4 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? आपका फ्रेंड से आंसर होगा क्या, 33%, 33% करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या 33% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपका बेटा करेक्ट आंसर क्या, पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, मानव शरीर में विटामिन के का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में विटामिन के का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बैक्टीरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिलोकैविनोन। इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड का क्लोट नहीं बनता, और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन, आपका ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर, 14 नवंबर को, 14 नवंबर ही में ही बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पर है के नाम पर, यहाँ पर है सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के याद में बाल दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन 14 नवंबर को क्या विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? आपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है। मैडम फ्रेंड्स की बेटा आंसर कीजिएगा कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका तीन, 1972 के अंदर, 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? पूरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेल्डन बेटे के बेटा आंसर कीजिएगा कि पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक नागर शैली में है। आपका फ्रेंड्स नागर शैली करेक्ट आंसर का, पुरी के मंदिर आपके नागर शैली में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर नागर शैली करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पालन सर्वप्रथम
किस सत्याग्रही ने चुना? आपको बेटा बताना है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह किसे चुना या प्रथम व्यक्ति किसे चुना गया था? आपका फ्रेंड आंसर होगा क्या, ऑप्शन में आपका ए है आचार्य विनोद भावे को, आपका विनोद भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको बताना है हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन में आपका डी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? आपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है, वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा पंच कीजिएगा कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, सेबी करती है, सेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका तीन है यहाँ पर 27 सितंबर को, 27 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, वेल डन फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स का आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका चेन्नई है, चेन्नई के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन था? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है या वर्णन था? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा क्या, 14वां यहाँ पर है, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 दे रखा है, 13वें अभिलेख के अंदर आपका कलिंग के किसी अभिलेख में कलिंग के युद्ध में अशोक ने किस, यहाँ पर कलिंग का जो युद्ध था अशोक ने किस अभिलेख में उसका वर्णन किया गया है? आपका बेटा 13वें अभिलेख के अंदर, आपका फ्रेंड्स 13वां अभिलेख करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? आपको फ्रेंड्स के बनाना है, बैठन बेटे आंसर कीजिएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या, इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इब्राहिम लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसने कहा, किसे कहा गया है? आपको फ्रेंड्स बताना है बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर आपका दो है, रोलेट एक्ट को कहा गया है, रोलेट एक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर के अंदर स्थित है, ग्वालियर का आंसर हो जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, वेरी गुड बेटे, आंसर कीजिएगा करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आपका बेटा 59 का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका एक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए संगीतमय नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संगीतमय नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, 1953 के अंदर, 1953 के अंदर आपका संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? आपको फ्रेंड्स बताना है चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका 3 है, पोलो, पोलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर दीजिएगा अमरावती बौद्ध स्थल बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? आपका फ्रेंड्स आंसर होगा क्या, 162 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश है जो अमरावती में बौद्ध स्तूप स्थित है, आपका बेटा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का
लैटिन नाम क्या है आपको बेटा इसके बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा सोना का लैटिन नाम क्या है आपका फ्रेंड से आंसर होगा ओरम है, ओरम आपका से आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रबाज का चित्रकार कौन थे, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे आपका फ्रेंड से आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक उस्ताद ईशा थे, सॉरी उस्ताद मंसूर थे आपका, उस्ताद मंसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए राजा राम मोहन राय को किसने कहा कि किसने राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी थी आपका फ्रेंड से आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर आपका दो है अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए सार्वजनिक लेखा समिति के, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं आपका फ्रेंड सात सदस्य होते हैं, सात सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सात सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा में सात सदस्य होते हैं आपका फ्रेंड सात करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है आपका फ्रेंड्स के बारे में बताया है। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है आपका फ्रेंड्स करना चाहिएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका मुख्य चुनाव अधिकारी, आपका मुख्य चुनाव अधिकारी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर बेटे आपका परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है यहाँ पर बेटे आपका मुख्य जो चुनाव अधिकारी है ऑप्शन में आपका एक आंसर हो जाएगा। भूटान की संसद को क्या कहा जाता है, भूटान की संसद को क्या कहा जाता है आपका फ्रेंड आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बेटा त्याओसुंग कहते हैं, त्याओसुंग करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, त्याओसुंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है, आपको बेटा पूछा गया है कि स्काउट है क्या, स्काउट की स्थापना किसने की थी, स्काउट की स्थापना किसने की थी आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर आपका बेटा तीन है वेल्डन ने, पावेल ने की थी आपका, वेल्डन पावेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया था आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर दो स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, कोई भूल चुक हुई हो उसके लिए माफ़ करना, हो सकता है कि किसी गलती से किसी क्वेश्चन को गलत पढ़ दिया गया हो तो आपने हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करना है और हमारे सहयोग को ऐसे ही बढ़ाते रहना है ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही आपको बता दें सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, 6:30 लूसेंट स्पीड का महासंग्रह, 8:30 आपकी जन साइंस की क्लास, 11 बजे आपकी रीजनिंग, आपके लिए यहाँ पर 2 बजे रहेगी स्पेशल जीके क्लास, आपके लिए शाम को 5:30 बजे जन साइंस की क्लास, 7 बजे आपका मॉक टेस्ट, 7:15 पर आपकी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की क्लास, 9 बजे आपका फिर से मॉक टेस्ट और 9:15 पर रहेगी आपकी रिवीजन क्लास। प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।